प्रतिकार यात्रा मामले में महंत संतोष दास व बालक दास को जमानत मिल गई। वाराणसी में 7 साल पहले प्रतिकार यात्रा के दौरान हुई हिंसा और बवाल में आरोपी महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा और बालक दास को गुरुवार को जमानत मिल गई। एमपी एमएलए कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर की। अदालत ने दोनों आरोपितों को 20,000 के 2 जमानतदार देने पर रिहा करने का आदेश दिया। 7 साल पुराने इस मामले में सतुआ बाबा और बालक दास को अदालत में पेश नहीं होने के कारण फरार घोषित किया गया था। बुधवार को दोनों ने प्रभारी विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट अवनीश गौतम की अदालत में समर्पण किया था। अदालत ने अंतरिम जमानत देते हुए जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि दी थी। दोनों महंत की तरफ से अधिवक्ता एसके द्विवेदी ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा और मामला शांति भंग का बताया। अगर बात की जाए तो आज जमानत मिली है महामंडलेश्वर बालक दास और संतोष दास को, क्या इस मामले में जमानत मिली है और क्या बंद पत्र वगैरह क्या लगे जमानत? 2015 में एक धर्म प्रतिकार यात्रा निकाली गई थी महात्माओं द्वारा और समाज के सभी वर्गों द्वारा, क्योंकि आधी रात को तत्कालीन सपा सरकार ने निरीह संतों और नाबालिग बटुओं के ऊपर रात्रि में लगभग आधी रात को लगभग 12 बजे लाठीचार्ज करवाया। तो ऐसे अन्याय के विरुद्ध अन्याय प्रतिकार यात्रा काशी की इस धरती पर तत्काल वर्तमान जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें काशी और देश के सभी वर्गों से सभी धर्मों के लोग उसमें उपस्थित हुए कि यह तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है उसमें। लेकिन चूंकि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी थे। उन असामाजिक तत्वों ने माहौल को बिगाड़ने के उद्देश्य से यात्रा से आगे आगे चलते हुए वहाँ जा कर के उसमें कुछ पुलिस के वेश में ही थे, आगजनी पथराव आदि कर दिए, जिससे इन महात्माओं का कोई लेना देना नहीं था। ये तो उस घटना स्थल से कम 200 यार्ड पीछे थे और पूरी तरह से पुलिस सुरक्षा में थे और पुलिस सुरक्षा में ही इन महात्माओं को इनके मठों पर पहुंचाया गया। इनका कोई रोल नहीं था, लेकिन तफ्तीश के दरमियान 2015 का मुकदमा था। 2017 में सरकार आदि या किसी अन्य दुष्प्रभाव से ही इन महात्माओं का नाम प्रकाश में आया और इन महात्माओं को कुछ पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कोर्ट में। यह कोर्ट की प्रक्रिया होती है, इनको पता नहीं था। ऐसी दशा में इनके विरुद्ध वारंट वगैरह जारी हो गया, आज इनको जमानत मिली। जी हाँ, ये महात्मा हैं, न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय के सम्मान के लिए न्यायालय में उपस्थित हुए और उपस्थित होकर के न्यायालय ने इन्हें जमानत दी है। 20,000 रुपये के बंद पत्र पर इन्हें नियमित जमानत दी गई है।